12 जुलाई से भारत और वेस्ट इंडीज के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज शुरू हो रही है। ये टीम इंडिया की तीसरी आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल की पहली सीरीज है। भारत के युवा खिलाड़ी एनसीए में इस दौरे से पहले अपनी फिटनेस हासिल कर रहे हैं। वहीं वेस्ट इंडीज के भी टेस्ट प्लेयर सीरीज की तैयारी में जुटे हुए हैं। दोनों टीमों के बीच ये सीरीज निर्णायक हो सकती है क्योंकि भारतीय बल्लेबाज इस टेस्ट सीरीज से अपना खोया हुआ फॉर्म वापस तलाशने की कोशिश करेंगे, तो वहीं वेस्ट इंडीज टीम के पास भी सुनहरा मौका है मेहमानों को घर पर हराने का। टीम इंडिया को WTC में मिली ऑस्ट्रेलिया से करारी हार के बाद ये पहली सीरीज है। उस शर्मनाक हार के बाद भारतीय सेलेक्टर्स ने एक बड़ा फैसला लिया था। टीम के अनुभवी बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। हालांकि उसके बाद सेलेक्टर्स को काफी आलोचना का भी सामना करना पड़ा, लेकिन कई लोगों का मानना यह भी था कि आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में ऑस्ट्रेलियाई के साथ हुए मैच में रहाणे को छोड़कर किसी भी टॉप ऑर्डर ने बल्ले से ज्यादा रनों का योगदान नहीं दिया था, तो फिर ऐसे में फिर चेतेश्वर पुजारा ही क्यों टीम से बाहर हुए। अब जो भी हो, मगर वेस्ट इंडीज के खिलाफ होने वाली आगामी टेस्ट सीरीज में भी कई खिलाड़ियों पर दबाव होगा, क्योंकि टॉप ऑर्डर का रन बनाना बहुत जरूरी है, चाहे उसमें कप्तान रोहित शर्मा हो, शुभमन गिल हो या फिर विराट कोहली ही क्यों ना हो, क्योंकि इन तीनों खिलाड़ियों ने WTC फाइनल टेस्ट में बल्ले से काफी निराशाजनक प्रदर्शन किया था। रोहित शर्मा तो लंबे समय से खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं, वहीं गिल और विराट कोहली भी रनों के लिए तरस रहे हैं। अब ऐसे में अगर इनका बल्ला वेस्ट इंडीज जैसी टीम के सामने भी नहीं चला तो फिर उन पर भी बड़ा फैसला लिया जा सकता है। ऐसा ही कुछ हाल ऋषभ पंत की गैर मौजूदगी में KS भरत का है। अब तक उनके बल्ले से कोई बड़ी पारी नहीं आई है। उन्होंने खेले 5 टेस्ट मैचों में महज 18.43 की औसत से केवल 129 रन बनाए हैं। सिर्फ बल्लेबाज ही नहीं बल्कि गेंदबाजों पर भी दबाव होगा, क्योंकि टीम इंडिया के गेंदबाजी ने भी फाइनल टेस्ट में उतनी अच्छी गेंदबाजी नहीं की थी, खासकर उमेश यादव और शार्दुल ठाकुर। अब ऐसे में मोहम्मद सिराज की अगुवाई में जयदेव उनादकट और मुकेश कुमार जैसे गेंदबाजों के पास अच्छा प्रदर्शन कर टीम में अपनी जगह पक्का करने का अच्छा मौका है। वैसे हम आपको बता दें कि भारत और वेस्ट इंडीज के बीच पहला टेस्ट 12 से 16 जुलाई तक विंडसर पार्क जमैनिका में और दूसरा टेस्ट 20 से 24 जुलाई तक क्वींस पार्क ओवल त्रिनिदाद में खेला जाएगा। ये दूसरा टेस्ट मैच ऐतिहासिक होने वाला है क्योंकि ये दोनों टीमों के बीच 100वां टेस्ट मैच होगा, लेकिन अभी तक वेस्ट इंडीज ने अपनी टेस्ट टीम का ऐलान नहीं किया है और टीम ने पिछले 2 WTC चक्र में जगह नहीं बनाई है और वेस्ट इंडीज टीम फिलहाल आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में 8वें स्थान पर बनी हुई है।